देश की टॉप सबसे बड़ी कंपनी में शामिल टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश गोपीनाथन ने अब अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में आइए जानते हैं कौन है राजेश गोपीनाथन जिन्होंने करोड़ों की नौकरी को कह दिया बाय बाय। 52 साल के गोपीनाथन ने भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद से मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है और TCS से साल 2001 से जुड़े हैं। उन्हें फरवरी 2013 में कंपनी का CEO बनाया गया था। उन्होंने REC त्रिचुरापल्ली से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी। TCS जैसी कंपनी अपने टॉप कार्यकारियों को कई तरह के लाभ देती है। इसमें बेसिक सैलरी, भत्ते, कमीशन आदि शामिल होते हैं। TCS के CEO राजेश गोपीनाथन की बात करें तो उन्हें वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल 25,75,00,000 रुपए मिले थे। इसमें 1,05,00,000 रुपए सैलरी, 2,25,00,000 रुपए के भत्ते व अन्य लाभ और 22,00,00,000 रुपए के कमीशन शामिल है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान गोपीनाथन को साल भर पहले की तुलना में 26.6% ज्यादा भुगतान मिला। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश गोपीनाथन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये जानकारी कंपनी की ओर से गुरुवार को दी गई। कंपनी की ओर से कहा गया कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में शानदार 22 साल के करियर और पिछले 6 साल से प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में कार्यरत राजेश गोपीनाथन ने अपने अन्य कार्यों के लिए पद से हटने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि K. कीर्तिवासन को नए MD CEO के रूप में नियुक्त किया गया है।